हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपनी कहानियों के पिटारे में से एक और कहानी लेकर। दोस्तों, किसी भी मंदिर में प्रवेश करते समय हमें सबसे पहले दिखाई देता है एक बड़ा सा घंटा। मंदिर में प्रवेश करने वाला प्रत्येक भक्त पहले घंटा बजाता है, फिर मंदिर में प्रवेश करता है। ऐसा हमारे हर मंदिर में होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा आखिर हम क्यों करते हैं? आज मैं आपको हमारी इसी परंपरा के पीछे छुपा विज्ञान बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा उत्साह बना रहे। दोस्तों, मंदिर में घंटा लगाने के पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है। जब हम घंटे के नीचे खड़े होकर सर ऊंचा करके हाथ ऊपर उठाकर घंटा बजाते हैं, तब तेज आवाज में घंटा नाद होता है। यह ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपने उद्गम स्थान से दूर जाती है। ध्वनि की यही शक्ति कंपन के माध्यम से प्रवास करती है। आप उस वक्त घंटे के नीचे खड़े होते हैं, अतः ध्वनि का नाद आपके सहस्त्रार चक्र से प्रवेश कर शरीर मार्ग से वापस भूमि में समा जाता है। यह ध्वनि प्रवास करते समय आपके मन में चलने वाले असंख्य विचार, चिंता, तनाव, उदासी, मनोविकार आदि समस्त नकारात्मक विचारों को अपने साथ ले जाती है और आप निर्विकार अवस्था में परमेश्वर के सामने जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपके भाव शुद्धता पूर्वक परमेश्वर को समर्पित होते हैं। सरल भाषा में इसे ऐसे समझिए, हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, उस समय भी विचारों की लड़ी जारी रहती है। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। वे ये बात जानते थे कि मंदिर में परमात्मा का दर्शन करते समय विचारों की इस श्रृंखला का टूटना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। हर मंदिर के बाहर हमारे पूर्वजों ने बड़ा सा घंटा लगा दिया। इस घंटे की आवाज जैसे ही हम सुनते हैं, तब हमारे मन में चल रहे विचारों की लड़ी इस आवाज से टूट जाती है और हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ चला जाता है। बड़े ही सरल प्रयोग द्वारा पूर्वजों ने हमारे मन को परमात्मा की तरफ मोड़ने का काम किया है। इसके अलावा घंटानाद की तरंगों के अत्यंत तीव्र आघात से आसपास के वातावरण और हमारे शरीर के सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश होता है, जिससे वातावरण में शुद्धता रहती है और हमें स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इसीलिए मंदिर में प्रवेश करते समय घंटानाद अवश्य करें और थोड़ा समय घंटे के नीचे खड़े रहकर घंटानाद का आनंद भी अवश्य लें। इससे आप चिंता मुक्त बनेंगे और वर्तमान का आनंद ले सकेंगे। आपका मस्तिष्क दिव्य ऊर्जा और मंदिर गर्भ की दिव्य ऊर्जा तरंगों को ग्रहण करेगा, जिससे आप प्रसन्न होंगे और शांति का अनुभव होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी घंटा बजाने के लिए। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।